नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कोई कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, पीएम मोदी ने कहा। जवानों की शहादत याद रखी जाएगी, छत्तीसगढ़ नक्सली हमले की पीएम मोदी ने की कड़ी निंदा, आईईडी ने किया हमला। पीएम मोदी के मिशन साउथ पर कांग्रेस का तंज, कहा दक्षिण का किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की दी चुनौती। अमित शाह ने इंदिरा गांधी को कहा तानाशाह, मन की बात कॉन्क्लेव में बोले किसी एपिसोड में नहीं किए राजनीति की बात। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने गिरफ्तार किया, अनुब्रत मंडल को पिछले साल किया था गिरफ्तार। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी का सोशल मीडिया पर फोकस, कार्यकर्ताओं को सिखाए योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के गुर। आरएसएस के वृंदावन मंथन में नया विचार, गैर हिंदुओं के लिए अब हिंदुत्व नहीं, भारतीयता का एजेंडा बढ़ाएगा संघ। दलाई लामा ने 64 साल बाद लिया रेमन मैग्सेस अवार्ड, 1959 में हुई थी घोषणा, तब चीन की वजह से लेने नहीं जा सके थे। मोदी सर ने मानहानि मामला में गुजरात हाईकोर्ट के जज ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई से खुद को किया अलग। कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी की जनता से अपील, 45 साल पहले दादी को मुश्किल से बचाए, अब भाई को संकट से निकाली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों को दिया तोहफा, अब 500 ml की बोतल में मिलेगी तरल डीएपी खाद। राहुल गांधी पर भड़के असम के सीएम, कहा अगर हिम्मत है तो पवार के अडानी से रिश्तों पर सवाल पूछिए। अहमदाबाद की कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका, गुजरात के लोगों को ठग बताने का आरोप। कर्नाटक में प्रियंका ने ढोसा बनाया, रैली में बोली इंदिरा को संसद से निकाला था, वो वापस आई, राहुल के साथ भी यही हुआ है। बंगाल के स्कूल में बंदूक लेकर घुसा शख्स, क्लास में बच्चों को बंधक बनाकर डराने लगा, पुलिस ने दबोचा। पीएम मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण को यूपी में 55,000 स्थानों पर सुनेगी बीजेपी, व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटी। भाजपा से टिकट न मिलने से बागी हुए कार्यकर्ता, बगावत की आग बुझाने की चुनौती से जूझ रही है बीजेपी। यूपी निकाय चुनाव के युद्ध में कानून व्यवस्था ही बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, सीएम भी दे चुके हैं संकेत, विरोधियों को परास्त करने की रणनीति पर चल रही है। बसपा को नहीं मिली सभी सीटों पर प्रत्याशी, नाराज मायावती ने मुख्य जोन इंचार्ज को हटाए, नए मुख्य जोन इंचार्ज करेंगे चुनाव का नेतृत्व।
सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर फैलाई जा रही अफवाह, सपा जिलाध्यक्ष बोले पहले सपा प्रत्याशी को ले गए। मुख्तार अंसारी को आईटी की नोटिस, 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में पहला नोटिस, पहले गाजीपुर की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा। दो सौ करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, गैलेंट ग्रुप के 60 ठिकानों पर आईटी रेड, लखनऊ समेत कई जगहों पर देर रात तक चली जांच। विधायक इरफान के वकील ने केस छोड़ा, कहा 4 महीने की 32 लाख पेमेंट बाकी, अब जेब से केस लड़ना संभव नहीं। अयोध्या में छात्रा का सुसाइड, 2 दिन पहले इंटर की परीक्षा में हुई थी फेल, सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। से ज्यादा की ठगी का आरोपी अरेस्ट, सांसद तक का टिकट दिलाने का दावा करता था, एसटीएफ ने कानपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, साल भर में 4.23 करोड़ भक्त रामनगरी पहुंचे। संभल में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर एफआईआर, कुदरकी के सपा विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी पति नामजद। आजमगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बैठक, 12 जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष करेंगे मंथन। बाराबंकी में पेड़ पर लटके मिले जीजा शाली के शव, प्रेम प्रसंग के चलते 1 सप्ताह से लापता थे, ऑनर किलिंग की आशंका। पहले बेटी की विदाई, फिर खून से रंगे हाथ, मुंह में कपड़ा ठूस कर जीजा ने पैर पकड़े और पिता ने दबाया गला, 48 घंटे पहले हुई थी शादी। बिना टिकट नहीं मिलने से जाट बीजेपी से नाराज, मेरठ में जाट महासभा ने की बैठक, एक भी जाट चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाने की शिकायत की। सरकारी चावल से भरा हुआ ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर पकड़ा, पुलिस और आपूर्ति विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे, कालाबाजारी का आरोप। परिवहन विभाग में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, हैकर्स ने डाटा किया है यात्रियों की बड़ी परेशानी, सालों पुराने सिस्टम पर लौटने को मजबूर विभाग। लखनऊ में छात्रवृत्ति घोटाले में 3 को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने हाइजिया ग्रुप के 2 संचालक और 1 कर्मचारी से पूछताछ की है। गुलदार को ट्रेस करने में जुटी वन विभाग की टीम, सर्चिंग अभियान जारी है। आगरा में 6वीं मंजिल से मेड़ ने लगाई छलांग, मरने से पहले सीसीटीवी में ईंट से मोबाइल तोड़ा, रंगजी हाई टच का ये पूरा मामला है। देवरिया में गांव के बाहर मिला अधेड़ का शव, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। इटावा में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, पुलिस प्रशासन ने पाया काबू। झांसी में मिसाइल हथियार के साथ बनेंगे सेना के वाहन, फरीदाबाद की कंपनी को 10 एकड़ जमीन आवंटित, 100 करोड़ का निवेश करेगी। इटावा में पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, 2500 रुपए लूटकर भाग रहा था।
उन्ना में दो सगे भाइयों समेत चार को 7 साल की सजा, पैसा मांगने पर चांसी मानी की नियत से की थी फायरिंग। नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल जेल, 11,000 रुपए लगा जुर्माना। चार साल पहले नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म। डीएमएसपी अचानक पहुंचे बलिया जिला कारागार, जेल की व्यवस्था को लेकर जरूरी जानकारी नहीं होने पर जेलर को लगाई फटकार। अतीक और अशरफ को शेर बताने पर दूसरी अरेस्टिंग। बरेली में युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा, शेर को जंजीरों में जकड़कर मारते हो। बरेली में वेफार्मा के छात्र ने प्रबंधक को मारी गोली, कान से छूकर निकल गई। फोन लाने पर 15 दिन पहले हुआ था रिस्टिकेट। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जनता से की अपील, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाना है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का आकस्मिक निधन, 65 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक, 2 दिन पहले आए थे पिथौरागढ़, जिला योजना भी की थी पारित। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से हुई, 20 कुंतल फूलों से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना की बैंड के गूंज के बीच दर्शन के लिए पहुंचे 10,000 से अधिक श्रद्धालु। केदारनाथ में चढ़ाया गया सोने का छतरी, इन्हीं भक्तों ने पहले गर्भगृह की चारदीवारी पर चढ़ाई थी सोने की परत। पच्चीस कुंतल फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम, कल खुलेंगे मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ के साथ ही धाम में स्थित प्राचीन मठ मंदिरों को भी सजाया गया। सुडान में फंसे उत्तराखंड के 10 लोग भारत वापस पहुंचे, सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। उत्तराखंड में आयोग के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया, अब उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस परीक्षा। हाईकोर्ट ने पीसीएफ सिंगल को लगाई फटकार, शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश, जल्द शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए टोकन सिस्टम शुरू, 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। उत्तराखंड में अय्याशी का अड्डा बना संजीवनी रिजॉर्ट, डांस के लिए चंडीगढ़ से लाते थे लड़कियां, अब होगा सील। चारधाम के लिए तैनात होंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी, प्रतिमाह 15,000 रुपए भुगतान करेगा निगम। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, पत्नी व भाइयों पर दर्ज हुई एफआईआर, प्रॉपर्टी नाम न करने पर पिटाई की। केदारनाथ में भारी बर्फबारी का अलर्ट, धाम के लिए 30 अप्रैल तक पंजीकरण पर रोक, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। सूडान से रेस्क्यू हुए 360 भारतीय दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर बच्ची बोली, हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे।
एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत पाकिस्तान, के पूर्व हाई कमिश्नर बोले। पुंछ हमले के बाद हमारे मुल्क में यही चर्चा का मुद्दा। चीन यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बातचीत, शी जिनपिंग ने जेलेंस्की को फोन किया, रूस यूक्रेन जंग पर लंबी चर्चा हुई। उत्तर कोरिया को सिगरेट बेची, 52,000 करोड़ का जुर्माना, ब्रिटिश कंपनी पर अमेरिका ने की कार्रवाई, 2007-17 के बीच हुई थी डील। अमेरिका परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया भेजेगा, बाइडेन बोले तानाशाह ने एटमी हमला किया तो ये नॉर्थ कोरिया में उसकी सत्ता का अंत होगा। बाइडेन ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी, बोले परमाणु हमला किया तो किम जोंग शासन का होगा अंत। ब्रिटेन के लिए खालिस्तानी समर्थक खतरा, फेथ एंगेजमेंट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ब्रिटिश संसद में खालिस्तानी घुसपैठ। ब्राजील ने टेलीग्राम पर लगाया स्थायी बैन, कंपनी को हर दिन भरना पड़ेगा 1,61,00,000 का जुर्माना। कंगाल पाकिस्तान के भारत को गेदड़, भपकी सेना ने कहा हम दुश्मन के इलाके तक ले जाएंगे लड़ाई। अमेरिकी कपल ने बच्चे के शरीर पर जबरदस्ती टैटू बनवाए, रस्सी से बांधा, करतूत छिपाने के लिए मांस निकाल दिया। जनवरी मार्च में 42% बढ़ी होम लोन का दर। मई को ऑफिशियल लॉन्च होगा सिंपल वन फुल चार्ज, 236 किलोमीटर चलेगा ई स्कूटर, ओला और एथर को मिलेगी टक्कर। अंबानी ने एम्प्लॉय को 1500 करोड़ का घर गिफ्ट किया, रिलायंस में 43 साल से काम कर रहे मनोज कंपनी के मास्टरमाइंड है। चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बॉर्नविटा को भेजा नोटिस, एनसीपीसीआर ने कंपनी को सभी भ्रामक और विज्ञापन पैकेजिंग हटाने को कहा। नए ग्रिल और बॉक्सी लुक के साथ आएगी एक्स्टर, ह्युंडई ने कार के एक्सटीरियर डिजाइन का स्क्रेच जारी किया, एक्सपेक्टेड प्राइस 6,00,000 रुपए। मारुति का चौथी तिमाही नेट प्रॉफिट 43% बढ़ा, 10,00,000 व्हीकल के एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को भी मंजूरी। रिजर्व बैंक ने 3 साल में खरीदा 137 टन सोना, दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते गोल्ड रिजर्व बैंक बढ़ा रहे हैं। वीवो X19 और X90 को प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च, एक्सट्रीम क्लियरिटी वाला 50 MP कैमरा और 112 GB कैम रैम की 60,000 रुपए से शुरू हुई। उपज कम होने से महंगाई बढ़ने का रिस्क, अब नीनो और बड़े देशों में तनाव से धीमी पड़ सकती है देश की ग्रोथ। .5% घटकर 328,00,000 टन रह सकता है चीनी उत्पादन, ISMA ने उत्पादन कम करने का अनुमान जताया। KKR से सीजन में दूसरी बार हारी RCB, 201 टारगेट से 21 रन पीछे रही, कोहली के विकेट से पलटा मैच। जयपुर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, देखने उमड़े फैंस, इसी ग्राउंड पर बनाए थे 183 रन, अंजिक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा भी पहुंचे।
खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित को गावस्कर की सलाह, कहा कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले ताकि WTC के लिए खुद को फिट रख सकें। जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना, केंद्र ने कहा ब्रजभूषण पर FIR से पहले जांच जरूरी, प्रियंका गांधी बोली बहनें रो रही हैं, आइए साथ दें। कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी WTC फाइनल खेल सकेंगे, BCCI कोरोना नियमों में कर सकती है बदलाव, 5 दिन रहना पड़ता है क्वारंटाइन। कोहली को अंपायर पर आया गुस्सा, हर्षल सिराज ने छोड़े आसान कैच, वेंकटेश की डाइव ने पलटा मैच। ब्रेडली ने अर्जुन तेंदुलकर का किया बचाव, बोले वह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक सकते हैं गेंद। वरुण चक्रवर्ती ने अपने नवजात बेटे और पत्नी के नाम किया प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, बोले IPL के बाद मिलूंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने विराट कोहली को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, कहा इस सीजन जीतेंगे ऑरेंज कैप। बाबर आजम पर बरसे कामरान अकमल, बोले 4 साल बाद भी नहीं जानता कप्तानी, कप्तान बाबर के फैसलों से खुश नहीं बाबर। फैंस के बीच फंसी मलाइका अरोड़ा, बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से घेरा, असहज होते हुए बोली प्लीज धक्का मत मारो। मां बनने के बाद एंजाइटी से जूझ रही आलिया, हर हफ्ते ले रही थेरेपी सेशन, बोली महिलाओं के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। अजीबो गरीब बैग के साथ नजर आए अक्षय कुमार, वीडियो देख यूजर्स बोले पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। पिता मिथुन चक्रवर्ती का स्ट्रगल याद कर इमोशनल हुई नवाशी, बोले कोलकाता के जिस घर में वो रहे हैं मैं ऐसी जगह कभी नहीं रह सकता। विपाशा बसु ने शेयर किया BET का वीडियो, पालने में खेलती हुई नजर आई, देवी व्हाइट पिंक थीम पर सजाया गया है रूम। दहाड़ का टीजर रिलीज हुआ, 27 लड़कियों की मौत, ये गुत्थी सुलझाएगी सोनाक्षी सिन्हा, OTT पर रिलीज होगी सीरीज। सत्ताईस दिनों बाद शारजहां जेल से रिहा हुए कृष्ण परेरा, खुशी से झूमा पूरा परिवार, ड्रग्स तस्करी मामले में हुई थी अरेस्ट। आमिर खान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात ऐतिहासिक है। नवाजुद्दीन पर बंगाली समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील ने याचिका दायर की है। एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी अव्वल रही है सामंता, 10वीं में पाए थे 88.7% मार्क्स, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में 95 से ज्यादा अंक मिले। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।